श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश दिहाड़े मौके अज गुरपुरब मनाया गया जिथे के मलेरकोटला दे विच प्रकाश दिहाड़े दे मद्देनजर सिख भाईचारे वालों नगर कीर्तन भी सजाया गया ते वख-वख थावां ते लंगर लगाए गए। उत्थे ही सिख मुस्लिम सांझा नां दी एक संस्था वालों हर वार दी तरह इस वार भी देगी मिठे चौलां दा लंगर लगाया गया ते मुस्लिम भाईचारे वालों पंज प्यारियां नूं सन्मानित भी कीता गया ते सारी सिख संगत नूं मिठे चौल वंडे गए। वाहेगुरू जी की फतेह। ये मलेरकोटला पवित्र शहर है जिसे नवाब मलेरकोटला सरहद के हाना मार के सारे दुनिया के प्रकट किया। जिसे भी सिख इतिहास बोलिया जाता है छोटे साहबजादों का उसे मलेरकोटला नवाब का नाम दर्ज आता है। ये सिख मुस्लिम सिख सांझा फ्रंट बनया है। इतने बड़ा ही उत्साह प्यार मलेरकोटला लोग सारे एक दूसरे रल मिल के रेंगे न इससे कोई ऐसा वैसा नहीं विचार। सो सत्संग जी आप सारे धनता जो बड़े भागा वाले हो 553वां अज आप गुरु नानक महाराज अवतार पुरब मना रहे हैं। सारे रल मिल के सारिया संगतों का सहयोग के नाल नगर कीर्तन शेरे पंजाब सेवा सोसायटी वालों हर साल की तरह इस साल भी उपराला किया गया है कि मुसलमान और सिख बढ़ जाए। उनकी ये कोशिश हजगिर हरगिज नाकाम होगी, कामयाब नहीं होगी। इंशाल्लाह आज नहीं कल आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा वक्त आता है हम कहेंगे नहीं आएगा तो ये सिर्फ चावल की बात है, यहाँ खड़े होने की बात है। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे अपने भाइयों के लिए, सिखों के लिए। जैसे आज खड़े हैं वैसे ही कल खड़े होंगे, जैसे कल खड़े थे वैसे ही आज खड़े हैं। जिस वक्त 1947 में मारकाट का माहौल था उस वक्त सबसे पहले मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाई थी और फिर 1947 में मुसलमानों ही ने इस आग को बुझाया था अपने खून के ज़रिए से उलमा ने। और फिर सिख कौम जिसके लिए लोगों ने पूरी भड़काने की कोशिश की कि औरंगज़ेब ने आपके ख़िलाफ़ ये किया, अपना ने ये ख़िलाफ़ किया, ये तारीख झूठी है। अगर आप ग्रंथ को उठा करके देखेंगे उसमें तमाम चीज़ें हकायक के साथ मिलेंगी। सिख पहले भी हमारा भाई था, मुसलमान पहले भी सिख का भाई था, आदम हव्वा की तमाम औलाद हैं। अगर हम किसी को मुसलमान हिंदू सिख ईसाई कह करके बांटते हैं ये हमारी नाअहली है। लगा रहे हैं ताकि ये जी भाईचारक मजबूत हूँ। डॉक्टर नसीर अख्तर जी और जथेदार साहब लैके चले ने वह होर जी है मजबूत हो गए। हर साल की तरह इस बार फिर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरपुरब के उपर इस बार फिर लंगर लगाया जा रहा जी। हाँ जी, पिछले कई सालों तो तुम देख रहे हो सिख मुस्लिम सांझा वालों हर साल उपराले किए जाते हैं ताकि जी भाईचारक सांझा मजबूत हो सके। जिमें कि किसानी अंदोलन के भी साल भर सिख मुस्लिम सांझा ने लंगर लगाया रखा, टिकरी बार्डर के उपर भी, संघू बार्डर के उपर भी। इस तरीके हर साल आनंदपुर साहब विखे तो हर साल जोड़ा है अपने फतेहगढ़ साहब विखे उत्थे भी लंगर लगाया जाता। इस तो अलावा हरमिंदर साहब के जी 33 टन 2 ट्रक भर के जी कणक वो भी जी सिख मुस्लिम सांझा ने भेजी आ जिद की है जी आपसी जी भाईचारक है जी वो सांझ है मजबूत हो सके। क्योंकि कई इतिहासकार ने साडे विचकार फर्क पा दिता, ब्रिटिश हुकूमत को जोड़ा कि इतिहास के भी आता उन्होंने खुश करने की खातर सिख इतिहास में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन ये जी भाईचारक सांझ है वो असी टुट नहीं देवे, असी प्यार का सुनेहा जोड़ा है हमेशा ही तरह से देंदे रहेंगे। जगबाणी टीवी लई मलेरकोटला तो रवि खान की रिपोर्ट।